सात दिन से हम लोग यहाँ पर वास्तव कर रहे हैं एमएलए प्रवास योजना, इसके अंतर्गत हम लोग आज सात दिन भर हर कोई मंडल में ये मोबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हैं। हर किसी कार्यकर्ता को मिले, हर किसी हमारे बूथ अध्यक्ष को मिले, शक्ति केंद्र प्रमुख जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उनको मिले, और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये टाइम बीजेपी आना ही मांगता है ऐसा हर कार्यकर्ता को दिखता है, और कार्यकर्ता के साथ साथ जो जनरल पब्लिक भी है उसका भी यही मानना है कि ये अभी गए पाँच साल में उन्होंने ये जो सरकार था एआरएस का, इसमें बहुत सारा स्कैम्स, लैंड ग्रैबिंग बहुत सारा हो गया है, और उनसे एकदम पीड़ित बहुत लोग हैं। कुछ भी हो गया तो पुलिस चेक पर उनको केस डालना, ऐसे सताना, ऐसे बहुत सारा केसेस आज हर जगह पर हुआ, और ऐसा लगता है कि इतना सुंदर माहौल है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम अच्छा एक माहौल है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर मंडल में अच्छा माहौल है। और इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उनका जो विचार है, उनका जो आचार है, और उनका जो काम करने का पद्धति है, आज जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरा भारत में, पूरा देश में, तो पब्लिक को लगता है कि पूरा देश में जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो तेलंगाना क्यों पीछे है, तेलंगाना सेंटर का सपोर्ट क्यों नहीं ले रहा है, ऐसा सभी को लगता है। आज परसों, कल ही परसों हमारा चंद्रयान आज मून पर उतर गया, ऐसा बहुत सारा काम आज हो गया है देश भर में, जैसा कि हाईवेज पकड़ो, ब्रिजेस पकड़ो, तो एक तेलंगाना के आम आदमी के अंदर एक आशा है कि आज अगर बीजेपी का सरकार इधर स्थापित होता है तो डबल इंजन का सरकार होगा और बहुत सारा प्रगति इधर आ सकता है। गरीबों के लिए स्कीम, किसानों के लिए इतना स्कीम्स है, लेकिन किसानों के लिए स्कीम्स पहुँच नहीं रहा है। हमारा गवर्नमेंट अराउंड 21,000 किसानों को देता है, लेकिन आज उनके पास पहुंचता है 10,000, ये 11,000 किसका पॉकेट में जाता है। ये सभी प्रश्न लेके, बहुत सारा प्रश्न लेके तेलंगाना की जो जनता है उनके मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है, बाहर नहीं आते, डर के मारे बाहर नहीं आते, लेकिन साइलेंटली ये टाइम मुझे लगता है बहुत सारा वोटिंग होगा। और ये सब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो एक सच्चा इस पर काम कर रहा है वो काम करेगा, और जो प्रधानमंत्री का विजन है आज हम लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर से लेके आप कौन सा भी एरिया पकड़ो, आज पूरा देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज आज इंडिया में ही नहीं, आज देश भर का हर कोई राष्ट्र आज ये देश देश को मानता है, प्रधानमंत्री को मानता है, और ये देश को इतना मानने का ये है कि आज हर किसी भारतीय नागरिक को आज अभिमान है। किधर भी बाहर जाएंगे, किधर भी जाएंगे तो भारतीय सब नागरिक को अभिमान है कि मैं भारतीय का ये हूँ, सिटीजन हूँ। और ये सब देखने को गया तो आज मुझे लगता है कि तेलंगाना 100% चेंज की कगार पर है, सभी लोगों को चेंज मांगता है, और भारतीय जनता पार्टी से ऑप्शन आज दुनिया में, भारत में और कोई नहीं है। इतना सुंदर काम आज हर क्षेत्र में हो रहा है, आप रेलवे पकड़ो, एयरपोर्ट पकड़ो, बस स्टैंड पकड़ो, हाईवे पकड़ो, कुछ भी आप ले लो, इतना प्रगति हुआ है जो पहले कभी में भी नहीं हुआ। हमारा GDP भी 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया, UK जैसा एक बड़ा राष्ट्र उनको साइड मार के आज हम लोग 3वें पायदान पर आए हैं। इसका सब श्रेय हमारे सब मंत्री को जाता है। मेरा ये पूरा तेलंगाना की जनता से रिक्वेस्ट है कि डबल इंजन की सरकार जब भी आती है तो बहुत प्रगति आती है। मैं गोवा का हूँ, आप गोवा में एक बार आइए, गोवा का आप नज़ारा देखिए, पूरा चेंज हो गया है। 35,000 to 40,000 crores आज गोवा में इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे आशा है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताएगी और एक अच्छा सरकार हम लोग 5 बरस इसको दे देंगे।